नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। मुंबई से बड़ी खबर आई है और ये खबर है बप्पी लहरी, बप्पीदा, जिन्हें हम सब प्यार से बप्पीदा बुलाते हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, 69 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। इस निधन के बाद से बॉलीवुड गलियारा हो या राजनीतिक गलियारा, हर जगह शोक का माहौल, क्योंकि डिस्को की पहचान जो है भारत में बप्पीदा ने कराई थी। उनके गाने जो हम अक्सर गुनगुनाए दिया करते थे। अगर बप्पीदा की बात करें तो वो 69 साल में इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। बीती रात को उनके निधन से कुछ देर बाद जब ये अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद से पूरे गलियारे, जो बॉलीवुड गलियारा है, वो सुना पड़ चुका है। क्योंकि बीते कई दिनों पहले देखा गया था कि लता मंगेशकर जी, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके बाद से ये बहुत बड़ा झटका है सभी के लिए कि एक पहचान, एक संगीत को पहचान देने वाले गायक, कंपोजर बप्पी लहरी जी अब इस दुनिया में नहीं है, हम सबके बीच में नहीं है। अगर उनके हम वर्क प्रोफाइल की बात करें तो उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए हैं जो आज भी कहीं ना कहीं उनके रिमिक्स बनाए जाते हैं। उनके म्यूजिक कंपोजिंग का जो एक लहजा था वो बहुत ही शानदार था, जिसको हर कोई सुनता है। बप्पी लहरी की अगर बात करें हम, तो अचानक उनका स्वास्थ्य जो है मंगलवार को बिगड़ गया था, जिसके बाद से जो डॉक्टरों ने उनके इलाज किया, इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अगर बात करें हम बप्पी लहरी के और जिन लोगों ने शोक जाहिर किए, अजय देवगन उसमें है। अजय देवगन ने ट्वीट करके इस बात का अनाउंसमेंट किया, उसके साथ साथ युवराज सिंह, क्योंकि हर गलियारा, हर जगह उनसे बहुत प्यार करता था, उनको बहुत लगाव देता था। बप्पी लहरी की बड़ी एक अच्छी बात थी कि उन्होंने अपने जीवन में, मतलब महज 3 साल की उम्र थी, 3 साल की उम्र में उन्होंने जब तबला बजाना शुरू किया, 3 साल की उम्र, एक छोटी उम्र, 3 साल की उम्र में हमें स्कूल जाना, जो प्ले वे स्कूल होता है, अब जो बताया जाता है यहाँ जाइए बैठिए, उस समय बप्पीदा तबला बजाना सीख रहे थे। तबला बजाते बजाते उन्होंने संगीत की दुनिया को ही अपनी पहचान बनाई, और इस पहचान के साथ साथ अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बप्पीदा के साथ जुड़ी हुई थी। और उसके साथ ही अगर उनके आने वाले दौर की बात करें तो उन्होंने एक से बढ़कर एक बहुत सारे गाने किए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो बप्पी लहरी जैसे दिग्गज का अचानक यूँ जाना, और वहीं अगर हम बात करें लता मंगेशकर जी का भी जाना, ये एक बहुत ज़्यादा केस पहुंचाता है। केस पहुंचाने के साथ साथ पूरे विश्व में एक कहते हैं ना कि बप्पीदा जब कहीं भी गाते थे, कभी भी परफॉर्मेंस देते थे, तो वो एक अंदर से जो फील आती थी वो हमेशा से लगी रही। बप्पीदा का असली नाम आलोकेश लहरी। उन्होंने 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक आइकॉनिक गाने दिए। मिथुन चक्रवर्ती का गाना आई एम अ डिस्को डांसर आज भी लोगों की जुबानी, हम लोग भी आजकल कभी भी बाथरूम में होते हैं तो गा देते हैं, कभी भी गुनगुना देते हैं, वही वो आवाज उन्होंने दी थी। इस गाने को घर घर में पॉपुलर किया। बाद में बप्पीदा को डिस्को किंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बप्पीदा आज हमें छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि हम सब ने, मतलब शुरू का जो दौर था, हम भी, आपने भी, हर किसी ने ये गाना सुना है, हर कोई गाना ये गुनगुनाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ये हम गाना गुनगुनाते हैं, गुनगुनाने के साथ साथ हम बहुत सा एक फील जो अंदर से आता है वो बहुत ही शानदार रहा है, और एक कनेक्टिंग फील रहा है उनके साथ। तो ये बप्पीदा के ट्रिब्यूट में इंडिया न्यूज़ की तरफ से एक छोटा सा मैसेज था कि बप्पीदा, आप जहाँ भी होंगे, हम सब आपको बहुत सारा मिस करने वाले हैं। तो ये थी अभी तक की अपडेट। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।